कार महाविद्यालय के YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में चलने वाले अंश श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय के अध्यापन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 16 तक का अध्यापन हमने गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में कर लिया था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रसंग एवं संदर्भ है गीता के द्वितीय अध्याय से। युद्ध भूमि में युद्ध से विमुख अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा उपदेश दिया जाता है। उसी उपदेश के क्रम में श्री कृष्ण आत्म तत्व का वर्णन करते हैं, जो ना कभी मरता है ना कभी उत्पन्न होता है, बल्कि वह अविनाशी है। उसी आत्म तत्व की व्याख्याएं आगामी हम श्लोकों में पढ़ेंगे। 17वां श्लोक है, वाचन इस प्रकार है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो, तू तत्विद ही उसको विद्धि यानी जान समझ, किसको? आत्मतत्व को। उस जो परमात्म तत्व है, जो सत्य है, उसको क्या समझ? अविनाशी। हे अर्जुन, तू उस आत्म तत्व को या परमात्म तत्व को, सत्य को अविनाशी समझ। येन सर्वम इदम ततम, येन जिससे, सर्वम इदम यह संपूर्ण प्रपंच, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि, ततम व्याप्त है, ओतप्रोत है, यह सारी जगत, सारी सृष्टि जिससे संचालित है, उस तत्व को तू अविनाशी समझ, अविनाशी मान। विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अस्य अव्ययस्य उस सत्य तत्व का, कैसे सत्य तत्व का? अव्ययस्य, जिसका कोई व्यय नहीं हो, जिसमें कोई खर्च, जिसमें कोई कमी नहीं हो, ऐसे उस अव्यय तत्व का विनाशम कर्तुम, विनाश करने में, उसको नष्ट करने में न कश्चित अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात उस सत्य तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तो भला तू किसी का विनाश कैसे कर सकता है? आत्म तत्व तो सत्य है, अविनाशी है और अव्यय है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। अतः हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। आगे 18वां श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण है अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अंतवंत, अंतवान का बहुवचन रूप है ये। अंतवान का अर्थ है अंत वाले, जिनका अंत हो। अंतवंत है यानी बहुवचन में जिनका विनाश हो। इमे देहा,
यहाँ हमे की जगह इमे है, ये अशुद्ध टाइप हुआ है। इमे देहा, ये शरीर, देह कहते हैं शरीर को। ये शरीर कैसे है? अंतवंत है, विनाशशील है, विनाश होने वाले हैं। नित्यस्य उक्ता शरीरिण, शरीरिण है, शरीरिण का अर्थ है जिसका शरीर है। शरीर किसका है? आत्मा का है। आत्मा नहीं है तो वो शरीर भी नश्वर है, वो भी स्थूल है, फिर वो मृत है, उसमें कोई चेतना नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो शरीर तो है नाशवान और शरीरिण है, शरीर में रहने वाला या शरीर का मालिक कौन है? आत्म तत्व है। वो कैसा है? नित्य, उसका विनाश नहीं होता। तो अन्वय है नित्यस्य शरीरिण है, नित्य आत्मा के। इमे देहा, ये शरीर अंतवंत है उक्ता, क्या कहे गए हैं? विनाश वाले कहे गए हैं। उस नित्य आत्म तत्व के ये जो शरीर है वो विनाश वाले कहे गए हैं। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत, और वो आत्मा कैसी है? अनाशी, उसका नाश नहीं किया जा सकता। अप्रमेय, जो किसी भी इंद्रिय द्वारा प्रमाण का विषय नहीं है, किसी भी इंद्रिय द्वारा उसका बोध नहीं है, उस आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, ऐसे अप्रमेय अनाशी और नित्य उस आत्मा के ये जो शरीर है वो कैसे, क्या कहे गए हैं? विनाशवान कहे गए हैं। तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्धस्व, तुम युद्ध करो। इसलिए युद्ध करो, किस लिए युद्ध करो? क्योंकि यह आत्मा है उसका ना तो विनाश होता है, ना वह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, और वह नित्य है। उस आत्मा के तो ये शरीर विनाश वाले है, आत्मा विनाश वाली नहीं है। इसलिए यह बोध करके हे भारत, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। यहाँ देहा, देह बहुवचन रूप है जिसका विशेषण है अंतवंत है। कैसे शरीर? विनाश वाले। शरीरिण है आत्मा के लिए आया है, जिसके विशेषण है नित्य अनाशिनो अप्रमेय है। यानी आत्म तत्व कैसा है? नित्य है, अनाशी है और अप्रमेय है। ऐसे उस आत्म तत्व के ये जो शरीर है वो क्या है? विनाशवान है। इसलिए यह ज्ञान जानकर हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए तैयार हो। आगे 19वां श्लोक है, यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीते नायम हंती न हन्यते। यह जो पुरुष एनम इस आत्म तत्व को वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, अन्वय अर्थ हुआ जो इस आत्म तत्व को मारने वाला जानता है, यश्च एनम मन्यते हतम, और जो इस आत्म तत्व को मरा हुआ मानता है। एक बार पुनः है, यह एनम वेति हंतारम, यह जो व्यक्ति, जो पुरुष एनम इस आत्म तत्व को हंतारम वेति मारने वाला मानता है, यश्च, और जो पुरुष एनम मन्यते हतम इस आत्म तत्व को हतम यानी मरा हुआ मानता है, उभो तो वे दोनों ही, ऐसा मानने वाले दोनों ही लोग, न विजानीते नहीं जानते हैं, नायम हंती न हन्यते
यह नहीं जानते हैं कि यह आत्मतत्व ना तो किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला मानता है अथवा मरा हुआ मानता है, तो वह व्यक्ति यह बात नहीं जानता है कि इस आत्मतत्व को ना ही कोई मार सकता है और ना ही यह मारी जाती है। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए तैयार हो, क्योंकि इस आत्मतत्व को ना कोई मार सकता है, ना यह स्वयं किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा इसको मारा जा सकता है। इस प्रकार इस आत्मा को नित्य मानते हुए तुम युद्ध के लिए तैयार हो। आगे 20वां पद्य है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा अभविता वा न भूये अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, जन धातु, जायते क्रियापद का अर्थ है उत्पन्न होना। न जायते, यह आत्मा उत्पन्न नहीं होती। म्रियते वा, और न ही यह आत्मा मरती है। कदाचिन, कभी भी, अर्थात यह आत्मा कभी भी ना तो उत्पन्न होती है और ना ही मरती है। नायम भूत्वा भविता वान भूये, और न ही उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, यानी ऐसा भी नहीं कि यह उत्पन्न हो गई और फिर आगे होगी। अजो, यह आत्मतत्व अजो यानी जन्म नहीं लेने वाली है, नित्य नित्य है, शाश्वत शाश्वत है, पुराणो पुरातन है। अयम यानी यह आत्मा अज नित्य शाश्वत और पुराण है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के हन्य माने मर जाने पर भी यह आत्मा न हन्यते मरती नहीं है। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए जो तेरा धर्म है, जो नैतिक धर्म है, उस युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू अपने मन में यह शोक मत कर कि मैं इनको मार रहा हूँ, क्योंकि आत्मतत्व को ना कोई मार सकता है, ना वो कभी पैदा होती है, ना मरती है, वह तो अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी उस आत्मतत्व को कोई नहीं मार पाता। इसलिए यह आध्यात्मिक ज्ञान रख के तू युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं।